बोला नहीं जा रहा मेरे से, क्योंकि यार मेरा जो है ना मुंह पर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल यूके वन टू एक्सप्लोर देवभूमि, और देवभूमि की नसीब वादियों में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, तो यार आज का ब्लॉग जो है ना ऐसे ही डिले हो गया, क्योंकि यार दांत में दर्द हो रहा है मेरा, और अभी ना सूजन आ रखी है, बाहर तो नहीं दिख रही पर अंदर से इंजेक्शन मार रखे हैं ना, तो बहुत दर्द हो रहा है। दर्द क्या हो रहा है कि मतलब बोल आने जा रहा मेरे से, ऐसा लग रहा मेरा ये साइड तो है ही नहीं। तो आपको पता ही है ना बेहोशी की हालत कैसी होती है यार। तो अभी थोड़ा मैं मोटो ब्लॉग करके आया, मैंने सोचा था बीच में कहीं पर रोकूंगा बट रोक नहीं पाया यार, ठीक है। मैंने कहा जल्दी जल्दी निकलता हूँ, पहले यार दांत ये है ना जो, इसकी वजह से बोला नहीं जा रहा, मज़ा नहीं आ रहा फिर तब, ठीक है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट और एंड भी, ठीक है गाइस, क्योंकि अब इसके बाद मैं एंडिंग नहीं कर पाऊँगा। तो यार ब्लॉग को देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। थोड़ी सी राइडिंग करते हैं, राइडिंग पे हम जा रहे हैं यहाँ से अपने घर से सिडकुल हरिद्वार की तरफ। सिडकुल आपको पता ही होगा यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा खतरनाक वाला, हरिद्वार का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। आज तक आप देखे होंगे बट आपने हल्का फुल्का देखा होगा, मोटो ब्लॉग नहीं देखा होगा जो कि आज देखने वाले हो यार। बहुत ही गजब का इंडस्ट्रियल एरिया है, आप देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका भी। तो गाइस अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं ना वो आती है DHL के अंदर में, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नाम से जो कंपनी है हरिद्वार में, उसके अंदर में आने वाली जगह है ये। गाइस दिक्कत ही हो रही थी ना, एक तो बोला नहीं जा रहा मेरे से, क्योंकि यार मेरा जो है ना मुंह पर सूजन आ रखी है, सूजन इतनी आ रखी है। मैंने यार दांत का करवाया अभी थोड़ी देर पहले ऑपरेशन, तो आज का दिन सुबह का तो कुछ हो नहीं पाया क्योंकि दांत के चक्कर में होता रहा इधर उधर। तो अब जाके फ्री हुआ और मैंने सोचा ठीक है थोड़ा सी ड्राइविंग की जाए और थोड़ा इंजॉय करके आते हैं थोड़ा बाहर। तो यार मुँह सूझ रखा मेरा बहुत भयंकर वाला, तो वो आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगा जहाँ पर मैं कहीं पर बैठूंगा, तो वहाँ पर आपको इंट्रो भी दूंगा और साथ में आपको दिखाऊंगा भी कैसा मेरा मुँह हो रखा खतरनाक वाला। मतलब बाहर का पता नहीं लग रहा, अंदर भरता है तो सूझ रखा हूँ, क्या बताऊँगा। फाइनली वी आर इंटर शिवालिक नगर इन हरिद्वार। यार बहुत दिन से आना हो रहा ना, तो यहाँ की रोड बहुत टूट रखी है यार, DHL का एरिया खत्म हो रहा है यहाँ पर। सामने आप दो नीले बोर्ड देख रहे होंगे, तो भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार सीमा समाप्त, हम आपकी सुकुशल जीवन की प्रार्थना करते हैं। और यहाँ से लग गया है इंडस्ट्रियल एरिया, और ये है हरिद्वार का बहुत ही फेमस प्लेस द पेंटागन मॉल। अभी मैं इसके जस्ट अपोजिट साइड में हूँ इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट अंदर से जो इसमें मजा है वो आपने पहले ब्लॉग में भी देखी होगी। पेंटागन मॉल का इंटरनल पार्ट जो है वो मैंने आपको आज ब्लॉग में दिखा रखा है, और मेरे जस्ट राइट साइड में है IITC लिमिटेड है। और इसमें सबसे पहले मैं 2011 या 12 में सबसे पहले जॉब मेरी इसी कंपनी में लगी थी यार। उस दिन भाई रात को मैं रो रहा था यार कंपनी में आ गए यार क्या हो रहा था, क्योंकि यार मैं तो पहली बार आया था, नाइट ड्यूटी लगी मेरी यार, मैं रो रहा हूँ रात को यार, मैं लॉन्डन लोगों को देख रहा, मैं सोच रहा यार कहाँ रहा हुआ तू, कहाँ फंस गया भाई नौकरी के चक्कर में। और घर की याद आ रही थी मेरे को, बने मैं सोच रहा था यार इसका लग बंदा तो घर में होता तो सोया होता, रात 2 बजे तो यहाँ हो रहा है यार भाई। उत्तराखंड हरिद्वार के जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं उन सारे की कॉलोनियाँ इधर बसी हुई हैं साइड में,
इधर विकास भवन है सामने। और ये कंपनी है यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो भी यहाँ पर बुलेरो कंपनी, बुलेरो की मैन्युफैक्चरिंग हब है, देख ही रहे होंगे आप। और ये है ये कम्स कंपनी, जो कि दवाइयों की हब है, बहुत खतरनाक कंपनी है। कम से कम इस कंपनी ने नेवी को 8-9 प्लांट बना दिया भाई हरिद्वार के अंदर। ग्रो करी थी इसने, करी भाई इतनी दवाइयाँ भेज दी उसने, इतनी दवाइयाँ भेज दी भाई साहब, क्या बताऊँ। तो ये है यहाँ का मेन चौराहा है दवा चौक, और ये दवा चौक जो है ना बहुत फेमस है यार यहाँ पर। जिसको भी अपना लैंडमार्क देना होता है ना, नियर बाय लैंडमार्क, उसकी तरफ दवा चौक ही देता सिडकुल वाला। यहाँ से होती है बंदों की एंट्री एंड एग्जिट, ये वाला हीरो, ये वाला हीरो। तो फ्रेंड्स, हम वापस रिटर्न हो चुके हैं, और रिटर्न होने के बाद हम पहुंच चुके हैं फिर शिवालिक नगर पे। तो गाइस क्या है ना, आज दांत की वजह से जो मेरे को दर्द हो रहा है ना, उसकी वजह से यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, और दिक्कत हो रही मुझे बोलने में, और कहीं कहीं पर मैं बोल दे रहा हूँ हल्का फुल्का, बाकी मुझे बोलने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और दूसरा मुझे क्या, गाड़ी चलाने में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा ब्लॉग खाली ना जाए, दिन खाली ना जाए, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया आपके लिए। तो चलो फिर गाइस, आज की वीडियो को करते हैं यहीं क्लोज़, और मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।